हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा। दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सीरीज में अगला जो टॉपिक है वो ये है कि डीएमडी और एलजीएमडी में क्या अंतर है। कई कोई पेशेंटों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सी वाली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो कैसे हम पता करें। तो दोस्तों, इसकी तो खैर जांच होती है, जेनेटिक स्टडी होने के बाद ही आप श्योर हो पाते हैं कि ये कौन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइन होते हैं जिनको देख कर भी हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को डीएमडी है या एलजीएमडी है। डीएमडी मीन्स डुचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एलजीएमडी मीन्स होता है लिंब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो दोस्तों, आज आइए हम देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों में किस तरह से हम देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो पहली बात कि डीएमडी यह बीमारी केवल लड़कों को होती है, लड़कियां इसमें कैरियर का काम करती हैं। मींस इस बीमारी में केवल लड़के अफेक्टेड होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो केवल लड़कों को ही आती हैं। जबकि एलजीएमडी के केस में दोनों जेंडर इक्वली अफेक्टेड होते हैं, मतलब एलजीएमडी लड़कों को भी होता है और लड़कियों को भी होता है। तो ये दोनों में फर्स्ट बेसिक डिफरेंस है। दूसरा अंतर है मस्कुलर वीकनेस के जेनेटिक कॉज में डीएमडी सबसे पहले नंबर पे आती है। मतलब यदि कोई किसी बच्चे को मस्कुलर वीकनेस है और उसका कोई जेनेटिक कॉज है, तो उसमें फर्स्ट जो नंबर है डीएमडी का है, मतलब डीएमडी के बच्चे सबसे ज्यादा मिलते हैं। और एलजीएमडी का जो नंबर होता है वो चौथे नंबर पर यह बीमारी आती है। तीसरा अंतर है कि डीएमडी फेटल है, खतरनाक है, घातक है, जबकि एलजीएमडी के केस में यदि एलजीएमडी अर्ली चाइल्डहुड से शुरू हुआ है तो फिर वो सीवियर रहेगा। लेकिन यदि वो एडल्टहुड से, मीन्स एक एज में आने के बाद 35 साल आके आसपास ये बीमारी शुरू हुई है, तो वो उतना घातक नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है दोस्तों प्रोग्रेशन का, कि डीएमडी का जो प्रोग्रेशन होता है फास्ट होता है। मतलब यह बीमारी बच्चों में तेजी से बढ़ती है, तेजी से बच्चों की मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है और बच्चा दिनों दिन वीक होता जाता है। यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जबकि यदि मैं बात करूं आपसे एलजीएमडी की, तो एलजीएमडी में फिर से वही दो सिचुएशन है कि यदि यह चाइल्डहुड अवस्था से शुरू हुआ है तो यह भी फेटल होगा, तेजी से प्रोग्रेस करेगा। लेकिन यदि एडल्टहुड अवस्था में यह बीमारी हुई है तो उतना तेजी से यह बीमारी नहीं बढ़ती, धीरे धीरे यह बीमारी बढ़ती है। अगला अंतर है डीएमडी यह जल्दी शुरू हो जाती है, मींस 5 साल से छोटे बच्चों को यह बीमारी शुरू हो जाती है। यह बीमारी के लक्षण 5 साल से छोटे बच्चों को दिखाई देने लगते हैं। जबकि एलजीएमडी के केस में दोनों ही तरह की सिचुएशन होती है, चूंकि एलजीएमडी चाइल्डहुड अवस्था में भी हो सकता है, एडल्टहुड अवस्था में भी हो सकता है। इसलिए यदि ये बच्चों को होता है तो यह 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चों में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये एडोलसेंट अवस्था में भी देखने को मिल सकती है या एडल्टहुड अवस्था में भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे कि डीएमडी और एलजीएमडी में ये 4-5 बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं। इन दोनों के अंतरों को आपको समझना चाहिए और उसके हिसाब से आपको आगे का प्लान करना चाहिए।